हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मगर ब्लॉग देखते रहेंगे। बिल्कुल। आज मैंने उंगली कर दी इसको। बट योगेश, आपको पता है मैंने आपके लिए क्या बनाया? सरप्राइज है आपके लिए। चलो सरप्राइज सरप्राइज, तो फिर ब्रेकफास्ट पे सरप्राइज लेते हैं। नहीं, अभी दिखाती हूँ आपको। नहीं, अभी नहीं देखूंगा। ना 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 ना, क्योंकि मैं चाय पी चुका हूँ। चलो, तो ब्रेकफास्ट में सरप्राइज रिवील होता है, ठीक है? बिल्कुल डन। आज योगेश को सरप्राइज देती, उनके लिए बनाई है मक्की की रोटी, गाजर मिक्स करके, इनको बहुत पसंद है, तो मैंने बोला क्यों ना चलो इनको सरप्राइज दिया जाए। तो अभी इनको ये नहीं पता मैं ये बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने अब डिनर करना ही छोड़ दिया। हमने सोचा अब डिनर से अच्छा है ब्रेकफास्ट अच्छा करो, लंच अच्छा करो। अब ब्रेकफास्ट बन रहा है हमारा, और लंच में बना है मटर पनीर। अभी योगेश को आइडिया भी नहीं है, उनके लिए चाय भी बनी है, साथ में गाजर, मूली के पत्ते और थोड़ा सा अनियन डाला है। पर योगेश को अभी मैं सिर्फ गाजर की बताऊंगी, क्योंकि जैसे ही सुनेंगे ना अनियन डाला है, मूली के पत्ते डाले हैं, तो कहेंगे उनको पता नहीं क्या है, पर मैं हेल्दी चीज़ें इन्हें खिलाती रहती हूँ। तो चलते हैं बाहर। योगेश, ज़रा डाइनिंग वो लगाओ हमारा छोटा टेबल। ऑलरेडी रेडी है रोमा। ब्रेकफास्ट पता है क्या है? बताओ। दिखा कुछ? नहीं, कुछ पराठे से दिख रहे हैं। पीले 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 पराठे। ये देखो। अरे वाह, गाजर की रोटी, मक्की वाली, मक्की की, जो आप 3-4 दिन से डिमांड कर रहे थे। वाह। और साथ में चाय भी बनाई है। साथ में चाय, ठीक है? तो खाओगे तो बताओ कैसा बना है। वाओ। क्योंकि बहुत दिन से बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे योगेश। कल जब के चाहिए रही थी, ये आपकी मनपसंद ब्रेकफास्ट में चीज बनाती हूँ, पर तबीयत खराब हो गई ना कल मेरी, तो बस पूरी हालत डाउन डाउन हो गई। कल इसने मेरे को लगा ये अंदर बैठ के टीवी देख रही है, और देखा तो ये तो पड़ी हुई थी ऐसे ही, और फिर मैंने इसको जाके कंबल डाला, इतनी हिम्मत नहीं हुई कंबल उठा के डाल ले। पर, चलो कोई नहीं, पहाड़ों में ये चलता रहता है, अब हमारी उम्र भी हो गई है, छोड़ो, मगर हम अपने आप को बुड्ढा नहीं कहते। यस, बुड्ढा तेरा बाप। तो कंसंट्रेशन करो अपने ब्रेकफास्ट पे। यस, अभी करते हैं कंसंट्रेशन ब्रेकफास्ट पे, और दोस्तों आपको ब्रेकफास्ट के बाद फिर मिलते हैं। डन। ब्रेक के बाद हमने कल क्या किया है क्या नहीं किया है, आपको एक एक चीज की डेवलपमेंट तो हम दिखाते रहते हैं, और साथ में कल क्या हुआ ये आपको नई डेवलपमेंट और दिखाएंगे, तो ब्रेकफास्ट के बाद मिलते हैं। डन। अब योगेश, हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया। हाँ, पर ये बताओ ब्रेकफास्ट में ये जो आपने मक्की और गाजर की रोटी खाई थी, उसमें क्या क्या चीजें थी? मक्की गाजर की रोटी के साथ मुझे जहाँ तक लग रहा है मूली के पत्ते थे। मैंने क्या किया था कल, वो जो खेत से मूली के पत्ते नहीं तोड़े थे हमने। हाँ। तो उसकी भुर्जी बनाई थी। हाँ। तो मैंने बोला ये हेल्दी चीज है, क्यों वेस्ट की जाए, जो रात को बची हुई थी, जो आपने खाई नहीं थी, वही वाली जो रात को बची हुई थी। तो मैंने वो उसमें डाल दी, मैंने इससे खा लोगे आप। क्या बात है, यूजेज ऑफ एवरीथिंग इन पहाड़। यस। नहीं, पहाड़ क्या, वैसे भी मैं यूज करती हूँ जो चीज, अगर सब्जी या कई बार अच्छी नहीं लगती तो रोटी में मिक्स करके खा लेते हो। तो दोस्तों आज धोखा तो हो ही गया योगेश भट्टे के साथ। पर टेस्टी चीज मिली या नहीं मिली? टेस्ट अच्छा था, नो डाउट, है ना? हाँ। तो इसका मतलब आपको टेस्ट अच्छा लगता है, आप खाते नहीं हो ढंग से। हाँ, ये भी आपकी एक गंदी आदत है। देखो ऐसा है, कभी टेस्ट बन जाता है कभी नहीं बन रहा। चलो दोस्तों, नाश्ते की बात तो हो गई, आपको आज का अपडेट दे देते हैं। आज का मॉर्निंग टेम्परेचर 0 डिग्री था, एंड ठंड बहुत तेज थी, चूंकि धूप निकल जाती है यहाँ पहाड़ों पे, तो फिर उतनी ठंड महसूस नहीं होती है, बट धूप निकली रहनी चाहिए। जैसे ही धूप गई आपका शरीर
ये होने लग जाता है। आज रोमा ने भी डट के कपड़े पहन लिए क्योंकि इसकी बॉडी कल ड्रेन हो गई थी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि अब हम आपको आगे की डेवलपमेंट दिखाते हैं जो हमने कल करी थी और आज भी चली रही है। दिखाओ दिखाओ, चलो रोमा दिखाई, मैं नहीं दिखा रहा, मेरी आज हिम्मत नहीं हो रही। अरे यार, तुम थोड़ी हिम्मत करोगी तो उठोगी, अभी नहीं हो रही। फिर मैं ये झूठे बर्तन भी धोवाऊंगा तुम्हारे। मैंने सारे बर्तन कराए मिस्टर भाटिया, डू यू नो, आपके जानबूझ के कैमरे पे सुना रहे हो कि मैं झूठे बर्तन धो दूंगा, फिर लड़ाई करोगे आप मेरे से। मैं क्यों लड़ूंगा? और क्या, आप ही लड़ते हो मेरे से। मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं सारे बर्तन कराई हूँ, सब कुछ एक एक ए टू जेड किचन भी साफ कराई हूँ। यार जैसे तुम्हें ठीक लगे ना वैसे कर लो। हाँ, जो तुमने लड़ना लड़ लो, ठीक है। अरे यहाँ हमारे पंजाबियों में एक कहावत है, आखा तीनों सुनावा नूनू। ज्यादा ना करो। और योगेश ये रेडी होके आ गए। मैंने आज बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों, मैंने आज बहुत मेहनत की है। क्या मेहनत की है? मैंने सारी रेलिंग पेंट करवाई है खड़े होके। अच्छा, मैंने सोचा आपने खुद करी है। और ये कुर्सियाँ, उनकी डंडियाँ, कुर्सियों के पैर, नॉट डंडियाँ, पैर, कुर्सियों के पैर है। ये सारे पेंट कर दिए। और सबसे बड़ा काम तो आपने एक और किया, नहा धो के तैयार होके रेडी होके, जैसे मैं कल हुआ था। ये और मैं पूरा कवर होके बैठी हूँ क्योंकि ठंड बहुत हो चुकी है। कल इसने गड़बड़ कर दी थी ना, परसों इसने ये गड़बड़ कर दी थी। ते ये अपने आप को कह रही थी मैं तो हॉट हूँ, तो बिना गर्म कपड़े ज्यादा पहने हैं ये बाहर घूम रही थी यही आंगन में, और नीचे वॉक करने भी चली गई कल सुबह। ठीक है, तो पकड़ी गई तो फिर चलता है, फिर झेलो, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है यार। ठीक है तो चलो, चला लो फिर, चलाने में क्या जा रहा है। तो दोस्तों, ये रेलिंग पेंट हुई है आज, आप देख सकते हैं, अभी दिखाती है रोमा आपको। ये सारी रेलिंग जो है ये प्राइमर कर दी है, क्योंकि कल मुझे लग गया था कि इसको प्राइमर करना मैंडेटरी हो गया है, नहीं तो इसको पाला खा जाता जंग से और ये खराब हो जाती। पर अच्छे टाइम पे आपने कर दिया। और ये दो तीन दिन, अब ये दो तीन दिन ऐसे ही पड़ी रहेगी, और उसके बाद इस पे फिर एक कोट और मारेंगे प्राइमर का। अच्छा। फिर उसके बाद पेंट डालेंगे। चलो ठीक है, फिर भी अब देखो योगेश, ये मूलियाँ जो है कितनी खुली खुली लग रही है। अरे वाह, ये तो मूले हो गए। नहीं, खुले खुले लग रहे हैं एक्चुअली, पत्ते निकालती है ना इसके, करेक्ट, जो हमारे पेट में भी चले गए सुबह। वो तो हम खा चुके, कल भी खाए आज भी खाए। इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। हाँ, तकरीबन 4-4 इंच बड़ी हो गई, ज्यादा ही हो गई है। अच्छी मटर हो गई है। अभी तो उस वाले खेत में सारे रोड़े साफ होंगे ना, वो खेत में जहाँ वो लड़का काम कर रहा है, वो रोड़े साफ होंगे, उधर मटर की पूरी बुआई होगी। फिर वहाँ रोमा, असल में क्या है वहाँ ना, दोपहर के बाद बिल्कुल, एक तो सुबह ये पेड़ों की ना लॉपिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो छाया की वजह से ना इसको मटर को धूप प्रॉपर नहीं मिलेगी और ये खराब हो जाएगी मटर वहाँ। हाँ, ये भी है, पर ठीक है, नहीं तो ऊपर कर देंगे, हमारे पास लैंड की कमी है, यहाँ पर मटर सारी ऊपर कर देंगे। इतनी ये मटर तो यहाँ सबसे, हाँ यहाँ पर भी हो सकती है, इसके ऊपर भी हो सकती है। अभी बाउंड्री होगी तो पता चलेगा आप लोगों को क्या क्या है। बहुत तेज चल रही है और गांव वालों की बकरियां भाग गई, यही एंटरटेनमेंट है हमारा। चलो योगेश, चलो। अब फिर चलते हैं, दिखाते हैं और कुछ भी, तो या फिर अपना रूटीन। रूटीन तो मेरा टाइम तो हो गया है, तुम्हें पता है किस चीज का रूटीन हो गया, पर अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा। यार तुम थक बड़ी जल्दी जाती हो यार, आजकल चक्कर है, बनाया सारा कुछ किया, मेरी ना पूरी एनर्जी ड्रेन हो रखी है, ऊपर से आपने दवाई भी नहीं दी मुझे आज, थोड़ा दवाई दे दिया करो कि अगर एनर्जी लानी है मेरे को तो दवाई दो, थोड़ा ध्यान रखो मेरा। ओए होए होए होए, जैसे मैं आपका ध्यान रखती, देखो आपने परसों बोला शोल्डर दबाते, मैंने दबाया। ओए होए होए होए, बड़ा एहसान कर दिया, 2 सेकंड शोल्डर नहीं दबाया है, फिर भी दबाया ना, करा ना केयर आपकी, टेक केयर दोस्तों। आपका सुबह नाश्ता भी देखो कितना अच्छा बनाया, मन पसंद। अब क्या है, अब ये है कि हम थोड़ा सा, अब मैं चाय बनाने जाता हूँ क्योंकि रोमा मना कर रही है, नहीं बनाऊंगी। और मेरे लिए भी चाय बनानी है क्योंकि मुझे भी चाय की रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, और इन लड़कों के लिए बना दो चाय। अभी ये रोटी खाएंगे, कोई बात नहीं, बना के दे उसके दो। बाद बना देते नहीं हैं। नहीं इकट्ठा ही बना दो। ठीक है, ठीक मैं है, 10 मिनट के बाद जाता हूँ चाय ठीक बनाने। है, डन। ठीक है, ओके। एट लास्ट मैंने फिर चाय बना के योगेश को पिलाई दी, क्योंकि मेरे पीछे पड़ गए थे, चाय बना चाय बना चाय बना, तो मैंने सोचा क्यों ना अब चाय बना ही दूँ। और चाय पी के फिर चले गए ऊपर पहाड़ों पर। इनको इतना मज़ा आने लग गया ना ऊपर पहाड़ों पे चढ़ना जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उस तरह इनको देखना पड़ता है कि योगेश गिर मत जाना ऊपर पहाड़ी से। कहाँ चढ़े हुए ऊपर, हाथ को वो कर रहे हैं बाय बाय ये देखो कहाँ, लेबर्स के साथ लो कूरी साफ हो रही है आज सारी हमारी यहाँ पर। पर आज धूप बहुत प्यारी निकली हुई है, बहुत अच्छी, पर चिल्ड वेव्स, बहुत चिल्ड वेव्स। और मैं योगेश को बोल रही हूँ योगेश खाना खा लो नीचे आ जाओ, कहते अभी नहीं भूख लगी है। जब चाय पियेंगे तो भूख कहाँ से लगेगी, कौन समझाए योगेश को, कौन समझाए इनको कि चाय पीने के बाद खाना नहीं खाते, पर इन्हें पहले चाय पीनी है फिर खाने के लिए बोलेंगे भूख नहीं लग रही भूख नहीं लग रही। तो चलो वेट करते हैं खाने का इनका, जब ये बोलेंगे फिर खाते हैं। आज बनाए हैं मटर पनीर। योगेश आप भी नीचे आओ, नहीं देखो फिर आप वहां से गिर गिरा जाओगे ना, ऐवे ही पंगे लगेंगे मेरे को। जल्दी आओ, फिर लंच नहीं करना। हाँ लंच करने के लिए आना, वैसे मत आना, वहीं बैठो पेड़, आप ना यहाँ घास पे मत खड़े हो, ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ जाओ, बंदर भी डर जाएगा, बंदर भी डर जाएगा आपको देख के पता नहीं। योगेश लंच तो सर्व हो गया, हाँ मैं देर में बताया, हाँ। कैसा लगा आपको मटर पनीर? मटर पनीर गाजर बहुत बढ़िया। मैंने गाजर तो 2 पीस पड़े थे, मैंने इसी में डाल दिए, वो सलाद वाले जो बच्चे हुए थे मैंने वेस्ट क्यों करना यार, सलाद का था तो मैंने इसमें डाल दिया। बहुत बढ़िया, पर अच्छी लगी मटर पनीर, फर्स्ट क्लास। चलो अब लंच करते हैं, मेरा तो खत्म भी हो गया चटोरी है तू क्यों, मेरे को राइस खाना था, मैंने राइस लिया, आपकी रोटी। तो लंच के बाद फिर मिलते हैं बाहर ब्रेक के बाद। यस फ्रेंड्स, योगेश फिर खाना खा के वहीं अपनी जगह पर पहुंच गए, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि बस करो, कहते हैं धूप लग रही है, धूप में खड़ा हूँ। अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने भी नहीं बोला कुछ, मैंने ला चलो खड़े होने दो धूप में। लकड़ी भी इकट्ठी कर रहा हूं। अच्छा तो फ्रेंड्स, इसको मना करते रहो, चप्पलें पहन के घूमती रहती है, मानती है नहीं, जूते पहन ले। तो दो दो सॉक्स भी पहन रखी है मैंने, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, चलने में तो चप्पलें स्लिप मारेंगी ना फिर। नहीं मैंने मोटी मोटी चप्पलें ले रखी है अच्छी। तो दोस्तों आज दिन सुनहरा, मैं भी सुनहरा, हाँ गोल्डन गोल्डन। तो जुकाम लग चुका है और हम अपने जुकाम को, तो दोस्तों नाश्ता भी अच्छा हो गया, लंच भी अच्छा हो गया, बाकी आप लोगों को क्या अच्छा लगता है ये आप बताएंगे, थोड़ा सजेशन आप लोग भी दें हम क्या करें। बिल्कुल, तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल योगेश भाटिया।